यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। धारणा और ध्यान में एक ही अंतर है, धारणा में एक ऑब्जेक्ट होता है और मल्टीपल थॉट्स होते हैं, ध्यान में ऑब्जेक्ट एक है और थॉट भी एक ही है। बात ऐसी है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो हम ही पैदा करते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि शरीर बनता है वो भी किचन में बनता है, बिगड़ता है वो भी किचन से ही बिगड़ता है। इसके लिए आपको कोई अलग से कोई टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी में रखना है वो लिस्ट करनी है। ज़्यादा बैक की प्रॉब्लम्स आज क्यों हो रही हैं? ऑफिस में लोग काम करते हैं, चेयर में बैठे रहते हैं, तो जब हम चेयर में बैठते हैं तो हमारा जोर कहाँ पड़ता है? स्पाइन की रूट में पड़ता है। हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे नए पॉडकास्ट में हिमानी गोस्वामी जी से और चमन सिंह रावत जी से, जो कि आपके योगा इंस्ट्रक्टर हैं हल्द्वानी में। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपसे ही है, अगर हम योगा की बात करें तो योग जो है बहुत सारे लोगों के मन में उसमें मिथ है कि केवल उसमें योग ही है, लेकिन जैसे अभी हम आपसे पहले डिस्कस कर रहे थे कि योग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आप और कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? तो जो योग है ना, आज के टाइम पे लोग सोचते हैं कि आसन करना योग है, मतलब एज एन एक्सरसाइज इसको देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योग का जो शाब्दिक अर्थ भी हम देखें ना, हाँ, उसका मतलब ही सम है। हाँ, बिल्कुल, जोड़ना है। हाँ। जोड़ना है, जोड़ना किसको है? खुद से खुद को जोड़ना है। ओके। तो योग में जो हम अष्टांग योग की बात करते हैं, अगर उसमें 8 लिम्स होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अच्छा। जो हमारे यम नियम होते हैं, पहले के जो 2 लिम्स हैं, उसमें हमारे जो सेल्फ डिसिप्लिन हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, उनकी बात की गई है, कैसे हम उनको मेंटेन करें। 3rd लिम जो आता है वो आसन है। आसन में हमारे फिजिकल पोस्चर को करेक्ट करने की बात की गई है, उसको हल्का करने की बात की गई है, जिसके बाद हम अपनी बॉडी को प्राणायाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्राणायाम में हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स, जो प्राणों का आयाम है, उसको मेंटेन करने की बात की गई है। उसके बाद प्रत्याहार में हमारे इंद्रियों पर संयम करने की बात की गई है। अच्छा। जैसे हमारे अंदर चंचलता होती है, खाने को लेके चंचलता होती है, बोलने को लेके चंचलता होती है, उनको कंट्रोल करने की बात की गई है। उसके बाद धारणा होता है कंसंट्रेशन। अच्छा। किसी चीज़ को हम कैसे कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, विचारधारा हमारी क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ध्यान, जो है मेडिटेशन। धारणा और ध्यान में एक ही अंतर है, धारणा में एक ऑब्जेक्ट होता है और मल्टीपल थॉट्स होते हैं। अच्छा। और ध्यान में ऑब्जेक्ट एक है और थॉट भी एक ही है। अच्छा। बस इन दोनों में एक ही अंतर है। उसके बाद है समाधि। समाधि जो होता है उसमें हमको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। हाँ। वो बहुत हायर लेवल है, उसमें हमको लिबरेशन फील होता है। अच्छा। हर एक थॉट से उसमें बस ये फील होता है कि हम हैं, हम कौन हैं, ये फीलिंग नहीं होती है। अच्छा। तो ये है योग, बस आसन नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, योग योग है, तो उसको योग की तरह देखें। अच्छा, तभी आप कह रहे थे कि लोगों में मिथक है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, एक कुछ लोगों ने आसन कर लिया, ज्यादा से ज्यादा ध्यान थोड़ा बहुत कर लेते, जिसको आजकल पूजा के रूप में कहते हैं। हाँ। कि आप अपने मंदिर जाओ, थोड़ा सा आरती करो, उसके बाद थोड़ा ध्यान लगा। जी, जी। लेकिन आपके 8 जो आयाम है, इसके 8 पूरे अलग अलग हैं, जिसमें यम नियम से लेके लास्ट जो आपका है वहां तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम आपने यहाँ पे बताया। सर, थोड़ा सा हम और यहाँ पे जानना चाहेंगे, जैसे मैडम ने तो देखिए 8 बताए, हमसे 2 भी नहीं हो रहे हैं, आसन भी नहीं हो रहा है और जो ध्यान है वो भी नहीं हो रहा है, तो बहुत से लोगों के पास ये एक प्रॉब्लम है उनकी, ठीक है, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास और बहुत सारे काम है, मेरे पास अपने घर का है, या जो आपके मैरिड हैं भैया, बच्चे पालने हैं, नौकरी करनी है, उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा भी कमाना है, घूमने भी जाना है, तो क्या हम योगा पर टाइम कहाँ से दें अपने आप को? देखिए सर, इसमें प्रायोरिटी होती है, अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में रखते हो बाकी सारी चीज़ों से, तो आप खुद ब खुद इसमें जो है टाइम का मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। अब इसके लिए आपको कोई अलग से कोई टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी में रखना है वो लिस्ट करनी है, और उसमें हेल्थ कितनी ज़रूरी है, जो कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए कोई ऐसे अलग से कुछ प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉर्निंग, इवनिंग, किसी भी समय, इवन 1/2 hour भी सफिशेंट। अगर अच्छा। आप आधा घंटा, 1 घंटा भी अगर आप आसन, हाँ, प्राणायाम ये सब चीज़ें करते हो तो भी इससे काफ़ी फायदा है। ठीक है, चलिए, आप तो जैसे योगा प्रैक्टिशनर आप हैं, योगा इंस्ट्रक्टर आप हैं, लेकिन एक नॉर्मल अगर हम आदमी की बात करें, जैसे आप मैडम ने ये नियम वगैरह की बात करी है, तो कौन सा, बहुत सारे लोग ना करने से नहीं करने के लिए बहाने ढूंढते हैं, अच्छा मुझे सुबह करना चाहिए, मुझे खाना खाने से पहले करूँगी, खाना खाने के बाद करूँ,
अच्छा अगर ये आसन मेरा गलत हो गया तब का होगा, तो ऐसे कौन से जिसको हम किसी भी टाइम पे कर सकते हैं? आपने कहा मॉर्निंग इवनिंग करो, दिन में भी करो, आधा घंटा भी कर लो, तो किस टाइम पे नहीं, यानी हम कौन से ऐसे आसन है जो कभी भी हम कर सकते हैं, फायदा सबसे ज्यादा हो? मेनली तो जो सब आसन है ना वो खाना खाने से पहले ही करने चाहिए। अच्छा, बस एक आसन है जो खाना खाने के बाद होता है, वज्रासन। अच्छा। और वो जरूरी भी होता है, वो हमारे डाइजेशन को हेल्प करता है। अच्छा। बाकी सारे जो आसन है वो हमको खाना खाने से पहले ही करने चाहिए। अगर आपने खाना खा लिया है तो कोशिश करना उसके 2.5-3 घंटे बाद आप प्रैक्टिस करें। जैसे आप दिन में खाना खा रहे हैं तो आप इवनिंग में कर सकते हैं। अच्छा। वो भी सुटेबल टाइम है, मॉर्निंग का भी सुटेबल टाइम है। आप पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं कुछ घंटे पहले मॉर्निंग में, जैसे होता है ना कोई भूखे पेट नहीं रह सकता, वो दूध पी सकता है सुबह, 2-2.5 घंटे बाद आसन कर सकता है। अच्छा। आसन प्राणायाम की प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें एज का भी कुछ होता है कि इस एज से ऊपर के लोगों को नहीं करना चाहिए या इस एज से कम एज के लोगों को नहीं करना, ऐसा कुछ है? जी नहीं, योगा इज फॉर ऑल, जो योग है वो सबके लिए है, वो सब कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ आसन करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कोई किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, किसी को कोई डिजीज है, तो उनके लिए पर्टिकुलर आसनास हैं, प्राणायाम है, ठीक है, वो कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। ठीक है मैम, यहीं पे मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे अभी हम जो देख रहे हैं ना, वो जो योग का हमने जो आधुनिक रूप है वो जो पतंजलि के आपके बाबा रामदेव उनके थ्रू है, तो एक नॉर्मल अगर लेमैन की तरह मैं बात करूँ तो वो 2-3 चीजें कहते हैं कि आप कपालभाति करो, आप प्राणायाम करो, यहीं से सबकी शुरुआत यहीं से होती है, सबने टीवी वहीं से, आप तो चलो इंस्ट्रक्टर हैं, आप लोगों ने उसके ऊपर पढ़ाई की है, लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं की है, जो घर में बुजुर्ग महिला है या हाउस वाइफ है, तो वो लोग प्राणायाम और कपालभाति ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमने स्कूल में पीटी कराते ना, बस हाथ इधर खोल के वैसे करते हैं, तो कोई आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि मतलब किस तरीके से हम कहाँ से शुरुआत करेंगे किसी भी टाइम पर? जो बेसिक है वैसे, जो इजी टू ग्रैब है लोगों के लिए, वो कपालभाति, अनुलोम विलोम और आपका भ्रामरी प्राणायाम, जो बचपन से जिसके बारे में हमको अवेयरनेस भी है, तो यही बेसिक है और यही स्टार्टिंग में बिगनर्स को प्रैक्टिस भी करवाते हैं। और कुछ कुछ आसन है, जैसे स्टिफनेस होती है बैक में, उसके लिए आसन है, बैक बेंडिंग के आसन है, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ भी अगर स्टार्ट करेंगे तो बिगनर्स से लेके जो एडवांस पोजेज होते हैं वहाँ तक करवाएंगे, जो एडवांस आसन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन है, एज लिमिट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी एक मिथ है कि मैं बुजुर्ग हूँ तो मैं नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा जवान हूँ तो मैं नहीं कर सकता, मुझे क्या ज़रूरत है, अभी तो मैं हेल्दी हूँ, ऐसा नहीं है। योगा ऐसा नहीं, एक एक्सरसाइज नहीं है, मैंने बोला ना वो प्रैक्टिस है, वो हमको हैबिट में इंक्लूड करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन करा, एक महीने करा, 6 महीने करा, छोड़ दिया, उससे हेल्थ नहीं बनती, उसको प्रैक्टिस में लाना होता है। जो आसन हम सीखते हैं, पद्मासन में बैठना सीखते हैं, वो भी प्रैक्टिस में लाना होता है, ताकि हम डेली लाइफ में उसको यूज़ कर पाएँ। नीचे बैठ के खाते हैं, वो भी प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, ताकि उससे डाइजेशन में हेल्प हो। ज़्यादा बैक की प्रॉब्लम्स आज क्यों हो रही हैं? ऑफिस में लोग काम करते हैं, चेयर में बैठे रहते हैं, तो जब हम चेयर में बैठते हैं तो हमारा जोर कहाँ पड़ता है? स्पाइन की रूट में पड़ता है, वहीं से सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं स्पाइन की। लेकिन जब हम नीचे बैठते हैं तो हमारा वेट कहाँ जाता है? थाई पे भी जाता है। अच्छा। सारा यहाँ पे नहीं जाता, ठीक है। ये है डिफरेंस नीचे बैठने में और चेयर पे बैठने में। नीचे बैठने वालों को स्पाइन की प्रॉब्लम कम होती है, चेयर में बैठने वालों को ज़्यादा। तो सर जैसे मैम ने बताया ना कि जो पोस्चर है बैठने के, हमारे गलत ढंग की वजह से ही जो है हमारे जो पीठ में दर्द होता है या बीमारियाँ जो है सारी वहीं से आपकी आती हैं, तो आप और भी कुछ बताना चाहेंगे जिसको हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करें, या जो अभी मेन बीमारियाँ हैं वो किसके हमारे गलती की वजह से होती है? सर आजकल जो सबसे मेन चीज़ है वो तो है ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि आप जैसा हर जगह देखते हैं फास्ट फूड और ये ऐसे आइटम हैं, पैकेजिंग के आइटम्स हैं जो कि पैक किए जाते हैं और फ्रेश रखने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल और गैसेस यूज़ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो फ्रेशनेस होती है एक फूड की, जो वो एनर्जी कंटेन करता है एक फूड, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है। और ये सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तो वो एनर्जी, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो शरीर को मिलनी चाहिए उस फूड से, वो नहीं मिलती, और कहीं ना कहीं इससे फिर हमारी बॉडी को ही लॉस होता है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही रूट कॉज है हर चीज़ या हर बीमारी का, हम कह सकते हैं। और तो सबसे पहले जो अभी बात करी थी अष्टांग योग के ऊपर, तो उसमें जो यम नियम हैं ये कहीं ना कहीं हमारी इन्हीं ईटिंग हैबिट्स और हमारे व्यवहार इस चीज़ को सुधारने के लिए है, तो कि किस तरीके से हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करें, जो चीज़ें गलत हैं उन चीज़ को छोड़ें, जो चीज़ें सही हैं कैसे उन चीज़ों को अडॉप्ट करें, तो यही सारी चीज़ें हैं। मतलब यही प्रॉब्लम है क्या, कि जो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ, हम लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं,
हम लोग प्रॉब्लम होने के बाद केवल आसन पे ध्यान दे रहे हैं, या जितने भी हमारे मैक्सिमम जो हमने देखे हुए हैं जो हमारी लोकेलिटी में, वो सब आसन पे ध्यान दे रहे हैं, वो यम नियम है जो हमारा कंट्रोल है खाने के ऊपर, उसके ऊपर तो बहुत कम लोग शायद बात करते होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर उनको और ज़्यादा सिखाना चाहिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं। बात ऐसी है कि जितनी भी बीमारियाँ हैं वो हम ही पैदा करते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि शरीर बनता है वो भी किचन में बनता है, बिगड़ता है वो भी किचन से ही बिगड़ता है। अच्छा ठीक है, शॉर्ट। और लोगों को अपना हेल्थ चाहिए पहले की तरह जैसे पहले के लोगों था, और लाइफस्टाइल वैसा नहीं जीना है। अच्छा, तो ये लोगों को खुद फील होना चाहिए कि ऐसा कहाँ से पॉसिबल होगा। अगर आपको हेल्थ पहले की तरह चाहिए तो लाइफस्टाइल भी ट्राई करें कि पहले की तरह हो पाए, उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि अब इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं रहा है, ठीक है। तो हमको थोड़े से एफर्ट्स खुद से डालने पड़ेंगे। हमको कोई और भी डायरेक्शन दे रहा है, हम भी किसी को सिखा रहे हैं, तो हम बस इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एफर्ट्स खुद को डालने पड़ते हैं, हम किसी के घर पे जाके ये नहीं दे सकते कि वो क्या खा रहा है, वो बाहर जाके क्या खा रहा है। बस हम ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आप इस तरीके से आसन करो, लेकिन आसन प्राणायाम भी कहीं ना कहीं तभी काम करेंगे जब आप अपने खाने पीने पर भी ध्यान देंगे। आप एक प्रॉपर टाइम पर खाओ, जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हो मॉर्निंग जो टाइम होता है उस पे करो, दिन में लंच टाइम पे करो, स्किप मत करो किसी भी मील को, ठीक है। उससे भी हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो पेट से पनपती हैं बीमारियां, वो प्रॉब्लम्स, तो बस उसको हमको ठीक करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। सर जैसे आप ईटिंग हैबिट्स के बारे में बता रहे थे, जो मैंने सुना हुआ है बाबा रामदेव से कि आप आधा पेट खाना खाओ, एक चौथाई आप पानी पियो, फिर एक चौथाई जो है आप हवा के लिए छोड़ो। तो और भी इस तरीके के कोई हैं जो ईटिंग हैबिट्स में हम चेंज कर सकते हैं? क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम जैसे अगर बात करें चॉकलेट्स की है, आइसक्रीम की है, मैगी सबसे ज़्यादा खाई जाती है आजकल, तो वो क्रेविंग हम कैसे हटाएं? सर क्रेविंग, सर ये मन का खेल है सर जी, ठीक है। हमारे मन को हमेशा वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं योग में हम ये चीज़ भी सीखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ हमें फ़ायदा देगी, कौन सी चीज़ हमें नुकसान देगी। तो जब हम योग से जुड़ते हैं तो इन चीज़ों में भेद कर पाना हम सीखते हैं, ठीक है। और फिर वो जर्नी जो स्टार्ट होती है उसमें हर व्यक्ति धीरे धीरे खुद ही चीज़ें सीख जाता है, वो जानने लगता है कि क्या चीज़ें उसके लिए ख़राब हैं, क्या चीज़ें उसके लिए सही हैं, और कहीं ना कहीं एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि उसको क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए और क्या चीज़ें उसको खानी चाहिए, ठीक है। तो ये किसी के बताने पर नहीं होगा या किसी के एडवाइस करने पर नहीं होगा, ये जब तक आप खुद से एक इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि मुझे मेरी हेल्थ अच्छी चाहिए और आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को नहीं सुधारेंगे, तब तक कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा जैसे अभी आप कहते हैं योग से जुड़ने के बारे में, आप कहते हैं कि योग से जब लोग जुड़ेंगे, तो आपका जुड़ाव कब से शुरू हुआ? क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं, तो आप थोड़ा जर्नी बताएंगे कि इतनी जो कहना कि कम उम्र में इतनी मैच्योर बातें जो आप कर रहे हैं कि ईटिंग हैबिट्स है, मन वाली जो आप बातें कर रहे हैं, तो वो शुरुआत कहाँ से हुई? सर मैं भी बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे हर कोई होता है वैसे ही, पर कहीं ना कहीं मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें सुधारी हैं। और स्टार्टिंग में जब मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया, एमए परस्यू किया, तो मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, मैं योग नहीं करता था। बट जब मैं जुड़ा तो हमारी सराउंडिंग्स ऐसी बनती हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग आते हैं जो हमें कई सारी चीज़ें सिखाते हैं, और आप जिस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। शुरू में मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता था जब मैं मेडिटेशन करता था, तो धीरे धीरे सिर्फ बैठने की प्रैक्टिस, मेडिटेशन नहीं करना है, सिर्फ बैठ जाओ, बस शांत रखो मन को, आँख बंद कर लो, तो धीरे धीरे आप जब जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो, 5 मिनट ध्यान किया, 10 मिनट ध्यान किया, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसी तरीके से जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे समय गया, समय बीता, वैसे वैसे चीज़ें जुड़ती गई, हमें नई चीज़ें आती रहीं, हमारे आसपास ऐसे लोग आए जिन्होंने हमें नई चीज़ें सिखाई बताई, और लोग भी बदलते रहते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारी सराउंडिंग्स कहीं ना कहीं एक जो डिवाइन पावर है वो क्रिएट करता है कि आपकी लाइफ में, आपके एक स्पेस में, आपके लाइफ के स्पेस में कौन से लोग आएंगे और कौन से लोग जाएंगे, ठीक है। तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जा रही हैं उसे जाने दो, क्योंकि शायद जो अगली चीज़ें आएंगी वो हमें कुछ बेहतर सिखाने के लिए ही हैं। तो मेरी जो जर्नी है
मुझे उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो अभी हम थोड़ा मन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैम से भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी आपने एक बात कही ना कि आप भी शुरू में 5 मिनट नहीं बैठ पाते थे, लेकिन ठीक है आपके अंदर वो विल पावर थी इसलिए आप बैठे रहे। तो मैम जैसे भी आप बता देना कि ध्यान, और ध्यान से पहले भी आपने एक चीज बताई जिसमें ध्यान में तो आपने कहा एक थॉट एक उस पे एक ऑब्जेक्ट, और उसमें था कि एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे थॉट्स हैं, ठीक है। तो अब जैसे एक प्रॉब्लम सर की शुरू में थी या बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि अगर जैसे ही हम बैठते हैं ना तो दिमाग में विचार ऐसे आते हैं ना, बॉम्बार्डिंग होती है उसके बाद कि भैया ये है, उसके बाद जो न्यूक्लियर बॉम्बार्डिंग होती है वैसी है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें हम? देखिए जो धारणा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो आपने बोला कि एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट जो शावरिंग हो रही है थॉट्स की, उसको कैसे कंट्रोल करें, तो उसी के लिए उससे पहले जो है लिम प्राणायाम, उसकी अच्छा, प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। उसमें पहले अपने सांसों पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जब आप अपने सांसों पे कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा धारणा को क्रिएट करना। आपको एक पॉइंट पे धारणा लगानी होती है, जैसे आप नोज टिप पे लगाते हैं, आप आईब्रोज के बीच में जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं वहाँ पे लगाते हैं, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस के साथ होता है। मल्टीपल थॉट्स आ सकते हैं, आप यहाँ पे ध्यान लगाइए किसी एक चीज के बारे में सोचिए, जैसे एक क्रिया होती है योग में त्राटक क्रिया, जो दिया जलता है उसको देखते हैं, तब तक देखते हैं जब तक आंखों से पानी नहीं आ जाता, वो भी धारणा की प्रैक्टिस कराता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान, ध्यान एक ऐसी चीज है जो इनर क्वालिटी है किसी एक पर्सन की, हम किसी को वो सिखा नहीं सकते, ध्यान खुद लगता है। जब आप धारणा सीख जाएंगे तो ध्यान खुद लगने लग जाएगा, वो क्वालिटी है, वो धीरे 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 डेवलप होगी, और जितना उसको ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना अच्छा ध्यान लगेगा। बस आपका जो एक थॉट है वो क्लियर होना चाहिए, और अगर आपका ध्यान लगाना एक बार सीख गए तो बहुत सारे पाथ आपके क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ना ध्यान को, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को आप करने जा रहे हैं, कोई आपका एग्ज़ाम है, कोई आपका टूर्नामेंट है, उससे पहले आप थोड़ी देर 5-7 मिनट भी आप थोड़ा ध्यान लगा लेना तो एक फ्लो बन जाता है, और ये तो मैंने एक्सपीरियंस भी करा है खुद की, अच्छा होता है वो फिर, ठीक है। वो दूसरी स्टेट में जाने के लिए, जैसे मैंने बहुत बार देखा हुआ है जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो आपके हैं, उससे पहले वो सुनते हैं, या तो आप वो क्या सुनते हैं ये पता नहीं है, लेकिन यही कहने में आता है कि वो अपनी उस स्टेट में जाने वाले, तो पहले उससे पहले वो नॉर्मल लोग होते हैं और उसके बाद वो या तो पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर खिलाड़ी बन जाते हैं। जैसे एक्टर्स के बारे में कहें, जब तक शूटिंग नहीं चल रही होती है वो तब तक नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पे कैमरा कट गया उसके बाद वो पर्सन ही बदल जाता है, और उससे पहले वो 2-3 मिनट का जो है वो पॉज लेते हैं, मैंने ये सुना हुआ है, मतलब तो शायद आप भी वही कहना चाह रहे हैं कि उस तरीके का जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैम जैसे सर ने तो अपनी जो है जर्नी आपकी शेयर की है, अब आप भी बता रही कि आप पर्टिकुलर पहले से ही जो है वो 2 ऑनलाइन क्लासेज आप लोग ले रहे हैं, और इससे पहले शायद आप दिल्ली वगैरह में जो है इस पे काम भी आप कर चुकी हैं, तो थोड़ा सा आप अपनी और जर्नी बताना चाहेंगी कि आप योग से कैसे जुड़ी और कैसे आपके मन में आया कि योग केवल आसन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जो स्प्रेड करना चाह रही हैं। जी ऐसा नहीं है कि मैं योग के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन इतना नहीं जानती थी डिटेल में, बस मुझे लगता था योग आसन और प्राणायाम है जैसा अभी सभी लोगों को लगता है। तो बचपन से थोड़ा पापा बताते थे आसन प्राणायाम, और फिर धीरे धीरे हाँ वो जो रामदेव बाबा जी हैं उनसे भी सीखते थे, टीवी पे आता था, ब्रॉडकास्ट होता था, सब ठीक था। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करा, मैं जॉब करने गई, मैं जॉब कर रही थी, कॉर्पोरेट जॉब था मेरा, फिर अचानक से मेरे कुछ टाइम में तबीयत ख़राब हुई। अच्छा। और शायद वो ऐसा था कि मैं उस कल्चर और इन्वायरमेंट में फ़िट नहीं कर पाई थी जैसा वहाँ कल्चर है, खाना पीना है। तो फिर जब बीमार पड़ी तो फिर ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर को दिखाया, मेरा सिस्ट था। अच्छा, ठीक है। जो कि बहुत माइनर था लेकिन था। तो फिर ट्रीटमेंट करवाया, दवाइयाँ चली, फिर लेडी डॉक्टर को भी मैंने दिखाया था, उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप कुछ आसन की प्रैक्टिस करो, योग करो, इससे भी आराम मिलता है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। फिर मैंने थोड़ा किया, खुद से करा थोड़ा बहुत, फिर जब मैं इम्प्रूवमेंट खुद में देख रही थी तो मुझे इंटरेस्ट आया, थोड़ा मैंने और उसको एक्सप्लोर करा आसन को ही, फिर धीरे धीरे और करा प्राणायाम को करा, फिर जैसे मेरी मम्मी ने देखा कि हाँ ये पढ़ रही है इसके बारे में भी, फिर मेरी मम्मी ने ही बोला कि इसकी पढ़ाई नहीं होती, अच्छा इस चीज़ की, इस सब्जेक्ट की जिसके बारे में तो पढ़ रही है, तो फिर मैंने बोला होती होगी। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा कि कहाँ पे होता है, किसी ने मुझे बोला एक डिप्लोमा होता है, फिर मैं गई जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करा वहीं गई पूछने, डिप्लोमा का पूछने गई थी, और इट्स वेरी स्ट्रेंज कि जहाँ से मैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुकी थी जिस डिपार्टमेंट से, उसी के ऊपर योग डिपार्टमेंट था।
अच्छा। और फिर जब मैं वहाँ पता करने गई, वहाँ पे मैं सीधा ममता मैम से मिली पहले, जो हमारी वहाँ पे प्रोफेसर हैं, उनसे मैंने पूछा, वो मेरी बातें सुन रही थी, मैंने उनको बताया मेरा बीमारी के बारे में, फिर वो हंस रही थी, धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, पता नहीं क्यों मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने उनको कहा कि मुझे इसमें पढ़ाई करनी है, मुझे और थोड़ा जानना है योग को। तो फिर उनने बोला कि ठीक है, आपको क्या करना है? मैंने कहा मुझे डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा होता है। उन्होंने कहा हाँ, डिप्लोमा भी होता है, मास्टर्स भी होता है। फिर मैंने उनसे पूछा, डिप्लोमा 1 ईयर का होता है, मास्टर्स 2 ईयर्स का होता है? तो उन्होंने कहा डिग्री भी होता है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं मास्टर्स करूँगी। फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। फिर अब ये स्टेज थी कि योग मुझे इतना ठीक लगा, मतलब अपनी बॉडी की अवेयरनेस है योग करना ना, वरना बॉडी के बारे में लोग कहाँ जानते हैं, अपनी बॉडी के बारे में ही टाइम ही नहीं है सही में। फिर मैंने अपना जॉब छोड़ा, फिर मैंने इसको फुल टाइम ऑप्ट करा। अब ये है मेरा लेवल कि हाँ, मैं लोगों को सिखा सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं कहाँ से आई थी, जहाँ मैं कुछ नहीं जानती थी योग के बारे में, हाँ, और उसी ने मुझे सिखा दिया। तो जो भी होता है हमारे लाइफ में, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न। तो ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी होता है वो अच्छे रीज़न के लिए ही होता है। कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जो आप ये बातें बता रही मैम, और भी आपसे अगर लोगों को सीखना हो, क्योंकि अभी तक हम केवल आसन के बारे में बात करते थे, आप इतनी सारी चीज़ें बता रही हैं, अगर किसी को आपसे कोई जानकारी लेनी हो तो कैसे ले सकता है? यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सिखाना जल्दी, बहुत जल्द, तो आप आ सकते हैं। वहाँ पे हम बेसिक आसन से लेके एडवांस आसन तक प्रैक्टिस करवाएंगे। कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई पेन है वो नहीं आ सकता, किसी को कोई पेन है उसका भी एड होता है आसन से, वो भी ठीक करा जा सकता है। और किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है, किसी का लंग कैपेसिटी कम है, उसको भी प्राणायाम के थ्रू इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आप उसको प्रैक्टिस करने आ सकते हैं जल्दी, यहाँ पे ओपन हो रहा है सेंटर, आप वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को ऑनलाइन आपसे सीखना हो तो वो कैसे सीखेगा? हाँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ, मॉर्निंग में 2 बैचेस मेरे चल रहे हैं ऑलरेडी। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा सोशल मीडिया है, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, कोई डिटेल्स हैं, आप वो डिटेल्स मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करेंगे। गीता की लाइनों के साथ, जैसे आप कह रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको योग क्लासेस ज्वाइन करनी है या सर और मैम से आपको जुड़ना है तो सोशल मीडिया लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और अगर आप हल्द्वानी में कुसुम के चौराहे के पास रहने वाले हैं और आपको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, या आप अपने जीवन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, अपने शरीर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो कुसुम खेड़ा के पास हनुमान मंदिर है, वहाँ से जो ऊंचापुर वाले लिंक रोड है, वहाँ पर आप जो है इन योगा क्लासेस में आप आ सकते हैं। हम आपको यहीं पर मिलेंगे, सर और मैं भी आपको यहीं पर मिलेंगे। तब तक कहिए नमस्कार।